नमस्कार, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ किर्लोस्कर 150 kVA जैक्सन कंपनी का प्रोडक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका हॉर्स मीटर नहीं चल रहा, तो वही देखने के लिए आया हूँ मैं। टेलीकॉम की साइड है ये, ऐसे ही देखेंगे आप, इसमें टावर लगा हुआ है और इसी को मैं देखने के लिए आया हूँ। ये जनरेटर है सामने आप देख रहे हैं, तो इसमें देखेंगे अभी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस जनरेटर में। तो इसको देखते हैं चल के, पैनल का खोल दिया मैंने, ये खोलते हैं गेट। ये जनरेटर का ये जो टेस्ट ग्रीन किर्लोस्कर ग्रीन, बहुत ही बढ़िया जनरेटर। तो ये देखिए जनरेटर, फ्यूल पंप, डीजल पाइप, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इसका हेड कूलेंट संबंधित। और ये सब जनरेटर के बारे में, ये जनरेटर का पैनल, खोल के देखें जनरेटर की स्थिति क्या है। इंडिकेशन है ये ऑटो का है, ऑटो है नहीं लिया मेरे पास 50 kV का। और ये रिले पूरी इसकी, ये फूटर, देखिए इसका नज़ारा। यह है इसमें MCCB 100 एम्पीयर की ACT लगी हुई है पैनल में लोड के लिए, MCBs हैं। और ये मीटर्स हैं इसके, ये चार्जर है इसमें, SMPS ऑटो नहीं लगा के गया था कुछ दिनों पहले, ये ख़राब हो गया था इसलिए। और ये इसमें चूहे आते हैं इसलिए इसको बंद किया है मैंने। ये देखिए ये जनरेटर लगी हुई है ये, चलो बंद करते हैं इसको। पहली तरफ स्टार्ट करके इसको देखते हैं, क्या है स्टॉप स्विच, इमरजेंसी स्विच इसका। और ये खुला छोड़ते हैं और देखते हैं इसमें ऑयल का देख लें, ऑयल डिपस्टिक। और ये ऑयल भी पतला हो रहा है इसमें, चेक कर लें इसमें डीजल फिलिंग का। बहुत ही बढ़िया जनरेटर, चलिए दूसरी साइड से देखते हैं इसको। ये देखिए जैक्सन पावर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइलेंसर। ये इसको ओपन करते हैं गेट को, फर्स्ट को कर लिया। बैटरी की भी हालत ख़राब है सेल्फ, ये पूरा चूहों ने काट के कचरा कर रखा है इसमें वायरिंग को। देखिए अंदर से इतनी बड़ी ख़राब कर रखी है, चूहे का आतंक ज़्यादा है यहाँ लग रहा है। ये देखिए इधर से खोला मैंने इसको, तो ये कंट्रोल इधर से इसका की स्विच का है, MFNE इस कारण। तो ये देखिए बता रहे हैं मीटर नहीं चल रहा इसका, तो चेक करते हैं आपके सामने। ये चाबी को मैंने रन पे किया, बाकी देखेंगे मीटर उठ रहे हैं। ये वाला मीटर है ये नहीं उठा, स्टॉप कर दिया है। अंदर देखेंगे इसकी स्थिति बड़ी ख़राब है, तो आप दिखाते हैं खोल के कि अंदर क्या प्रॉब्लम है इसमें। पेच खोल लिए थे मैंने पहले से दिखाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए सर ये है चूहों का काम, पूरा वायर कट दिया चूहों ने, पूरे पेच वेच निकाल दिए चूहों ने और बड़ी स्थिति खराब कर रखी इसकी जनरेटर की। तो इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है इसमें।
देखते हैं जो आप चेक करके अंदर से वायरिंग मैंने इसकी सही की है। ये देखिए मीटर उठ नहीं रहा था, चाबी ऑन करते ही मीटर उठेगा उठेगा। मीटर काम करने लगा है इसका, पहले कुछ नहीं कर रहा था, लगता है मीटर सही हो गया है। ये देखिए तो इसमें कंट्रोल वायरिंग की प्रॉब्लम थी, वो हमने सॉल्व किए और टेस्ट पे देख लिए क्या हो सकता है इसके अंदर।